वेलकम बैक दोस्तों। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के लिए सबसे कंफर्टेबल सीट कौन सी है। ओके सो जब मैंने मेरी बुलेट खरीदी थी तो पहले 3 से 4 साल तक मैंने सीट चेंज नहीं की थी, मैंने कोई मॉडिफिकेशंस नहीं किए थे उसमें एंड आई वाज यूजिंग द स्टॉक सीट। बट लेट मी टेल यू, जो स्टॉक सीट है और अभी भी जो 350 क्लासिक बन रही है, जो स्टॉक सीट है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, स्पेशली फॉर लॉन्ग राइड्स। और स्पेशली जो पिलन सीट है पीछे वाली, उसमें तो अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। सो हार्डली अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल अंदरी से बैंड्रा भी जाते हो तो पीछे वाला जो है उसको काफ़ी पैर में दर्द होता था एंड इट वाज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। और जो आगे की मेन सीट है राइडर की, वो भी अनकम्फर्टेबल थी कम्प्लीटली। ओके तो लेकिन इसके लिए सोल्यूशन है कि आप बकेट सीट्स बिठा सकते हो। आप आफ्टर मार्केट में आप देखेंगे काफ़ी सारी सीट्स अवेलेबल है, बकेट सीट्स है, स्प्रिंग के साथ है, विदाउट स्प्रिंग्स है। ओके सो ये सब आप ये वीडियो में मैं आपको डिटेल्स दूंगा कि कौन सी सीट सबसे बेस्ट और कंफर्टेबल है। सो मैंने मेरी बुलेट में यानी कि 4 से 5 साल बाद मैंने एक्स्ट्रा सीट्स अलग से बिठाई। ओके सो वो जो ओरिजिनल स्टॉक सीट है वो मैंने निकाल दी और फिर मैंने काफ़ी अच्छी कुशनिंग वाली बकेट सीट बिठाई है और पीछे भी जो सीट है वो दोनों मैंने सीट्स चेंज की है एंड दे बोथ आर सो कंफर्टेबल। राइडर सीट जो है यानी कि मैं जो सीट पे ऑब्वियसली जो चलाता है वो जो बैठते हैं वो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और पीछे आपको काफ़ी थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, इसमें रेस्ट नहीं है, आप अलग से रेस्ट अगर चाहे तो वैसे भी मॉडिफाई करके बिठा सकते हो, लेकिन मैंने वो वाला ऑप्शन नहीं चूज़ किया है। और जो पीछे की पिलन सीट है वो भी इतनी कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट भी है। मैंने सीट चेंज करने के बाद मैं काफ़ी लॉन्ग राइड पे गया था, आई वेंट टू रत्नागिरी, आई वेंट टू गोवा और बोथ द सीट्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। सो मैं आपको अभी सीट दिखाऊंगा भी और मैंने कहाँ से बिठाई मैं आपको वो डिटेल भी बताऊंगा। सो देखिए क्या होता है कि वंस यू बाय अ बाइक एंड इफ यू आर अ लॉन्ग राइडर और आप कंटिन्यूस बाइक पे काफ़ी घूमते हो, स्पेशली आउट ऑफ मुंबई और लॉन्ग राइड्स पे जाते हो, तो सीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बिकॉज अगर आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा सो इवेंचुअली आपको बैक पेन चालू होगा एंड यू नो इवेंचुअली ग्रेजुअली फिर आपको काफ़ी सारे बैक प्रॉब्लम्स चालू होंगे। सो इट डजंट मेक सेंस, राइट? और काफ़ी लोग बोलते हैं कि सीट चेंज करेंगे तो वारंटी वॉइड होगी, और नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर आप सीट चेंज करते तो आपकी बाइक की वारंटी वॉइड नहीं होगी अगर आप नई बाइक खरीद रहे हो तो और आप सीट चेंज करना चाहते हो तो। ओके सो अभी मैं आपको मेरी बाइक बताऊंगा बुलेट में जो मैंने सीट चेंज की है और उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। सो लेट्स गेट टूवर्ड्स द बुलेट नाउ। सो ये रही मेरी बुलेट क्लासिक 350 और जैसे आप देख सकते हैं दिस इज़ दी बकेट सीट दैट आई हैव इंस्टॉल्ड। ओके और ये पीछे वाली सीट है। सो अगर आप कंपेयर करेंगे जो ओरिजिनल उसकी सीट है जो काफ़ी छोटी है, तो देखिए इतनी नैरो है वो और उसमें अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। सो ये कम्फर्ट वाइज ये सबसे बेस्ट है एंड एज आई मैंशन मैंने ये कम से कम अभी 2-3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, नो कंप्लेंट्स, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। एनी वन सिटिंग बिहाइंड मी ऑल्सो इफ़ आई गो फॉर अ लॉन्ग राइड, उन्होंने बोला कि यार ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है एंड इट्स वेरी नाइस। सो येस, दैट्स एक्चुअली दी यू नो द ऑनेस्ट थिंग दैट आई कैन से। और ये देखिए ये इसका जो ये देखिए ये कितनी इसकी जो विद है काफ़ी बड़ी है और इसकी कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये बकेट सीट की देखिए, अब इससे बड़े भी आपको बकेट सीट मिलती है, सो दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर साइज एज वेल, सो एंड कम्फर्ट वाइज एज वेल दैट यू कैन चूज़। ओके और इसकी कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, राइट? सो ये देखिए और ये दिखने में भी कितनी अच्छी लगती है एंड ये देखिए। सो ये मैं आपको पीछे से दिखा रहा हूँ और ये यहाँ से देखिए ये प्रॉपर, और ये देखिए। सो ये जो मैं बोल रहा था ये थोड़ा सा आपको पीछे सपोर्ट मिलता है, सो यू विल नॉट इवेंचुअली गेट एनी बैक प्रॉब्लम्स और बैक एक्स। अब मैंने जो सीट बिठाई इसमें आपको दो ऑप्शन है, आइदर आप स्प्रिंग के ऊपर बिठा सकते हैं विदाउट स्प्रिंग। सो मैंने जो बिठाई वो विदाउट स्प्रिंग वाली है। सो एज फॉर अ लॉट ऑफ रिव्यूज़ एंड यू नो आई ऑल्सो कन्फर्म्ड विथ माई मैकेनिक एंड लॉट ऑफ पीपल, तो स्प्रिंग वाले में इवेंचुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है काफ़ी, बिकॉज बाउंस के वजह से वो थोड़ा बैक प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसमें आपको बैक प्रॉब्लम नहीं होगा। सो और ये जो सीट मैंने बिठाई है, जैसे मैंने बोला कि मैंने परफेक्ट सीट से बिठाई है, सो कम्फर्ट वाइज दिस इज़ गाइज वन ऑफ द बेस्ट सीट्स यू नो दैट यू कैन पुट। एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दूंगा कि ये सीट मैंने कहाँ से बिठाई है और उसके बारे में प्राइस भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में इस वीडियो में बताऊँगा। सो इफ़ यू आर एज आई मैंशन अर्लियर कि यू नो हार्ड कोर ट्रैवलर, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीट्स दैट यू कैन गो फॉर। ऑब्वियसली मार्केट में काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन भी है, बट ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव इन मार्केट। और कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ सीट्स जो है और भी बकेट सीट्स ऑप्शन है जिसमें काफ़ी बड़े हैं वो और वो दिखने में अच्छी नहीं लगती है,
अभी जिस दूसरी बात है कि रेस्ट के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है जिसमें यहाँ पे और यहाँ पे ओके दो होल होते हैं, जैसे गाड़ी के हेडरेस्ट होती है गाड़ी की सीट पे, वैसे ही यहाँ पे भी एक रेस्ट मिलता है जो आप लगा सकते हो और निकाल भी सकते हैं जब नहीं चाहिए तभी। सो वो एक रेस्ट भी मिलता है। और आजकल पिलन राइडर के लिए तो एक अलग से अभी नया सपोर्ट भी आया है, सो आप वो भी आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ताकि उसको भी बैक में सपोर्ट मिले। सो यस, सो ऑन दिस पर्टिकुलर सीट आई वुड हैव टू रेट इट, इफ आई हैव टू रेट इट फ्रॉम 1 to 10, आई वुड रेट इट इज 10 डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल सीट्स। सो अगर आप नई सीट बिठाना चाहते हो और यू नो कम्फर्ट चाहते हो, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीट गाइस। सो आपने अभी ये सीट कैसे दिखती है बुलेट पे वो भी देख लिया है, और कम्फर्ट वाइज तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कितनी कम्फर्टेबल है ये। सो अगर आप लॉन्ग राइडर हो, अगर आप काफ़ी लॉन्ग टूर्स पे जाते हो, एंड इफ़ यू ओन अ बुलेट क्लासिक वर्जन, सो गाइज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीट्स दैट यू कैन हैव, ओके, बकेट सीट्स के सेगमेंट में। ऑलराइट, और मैं इस बंदे के बारे में डिस्क्रिप्शन भी डालूंगा, जो ये शॉप का नाम है परफेक्ट सीट्स, ये अंदर ईस्ट मुंबई में है, हाईवे के नज़दीक है, काफ़ी गुरु नानक पेट्रोलियम के थोड़ा नज़दीक है, ओके, ये वन ऑफ द लैंडमार्क्स। तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे रेडीमेड बकेट सीट्स मिलेगी, आप चूज़ कर सकते हो आपको कौन सी चाहिए। अगर आप चाहते हो आपको एक्स्ट्रा कुशनिंग चाहिए तो वो अलग से आपको बना के भी देता है। अब जहाँ तक प्राइस की बात है, ये दोनों सीट्स मुझे 3000 में पड़ी, मैं डायरेक्टली उनके पास नहीं गया था। जैसे आपने मेरे चैनल पे मेरे मैकेनिक के बारे में वीडियो देखा होगा मनीष, तो मैं उसको बोला था कि मुझे सीट चेंज करनी है जब मैं सर्विसिंग के लिए गया था, तो वो बोला कि मैं खुद लेके आ जाऊँगा, तो उसने वहाँ से लेके आके वहाँ से फिट कर दिया। एंड इट्स द सेम रेट अगर आप वहाँ पे भी जाएंगे तो, ही इज़ नॉट चार्ज मी एनीथिंग एक्स्ट्रा, एंड 3000 इज़ वर्थ फॉर मनी गाइस। यस, इट्स एब्सोल्युटली वर्थ द मनी एंड वर्थ द स्पेंड। जैसे मैं, बिकॉज मैंने पहले भी बोला था कि जो ओरिजिनल सीट है बिल्कुल कम्फर्टेबल नहीं है, ओके। सो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा उस बंदे के बारे में, परफेक्ट सीट वाले के बारे में। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड टिल आई कम इन अनदर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।